आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप किसी भी काले जादू से बच सकते हैं। जी हाँ, ये तो आप सब जानते हैं कि आजकल लोग इन सब पे बातों पे यकीन नहीं करते हैं, पर वही कुछ लोग आज भी विश्वास करते हैं कि काला जादू होता है। और आप माने या ना माने, पर ऐसा होता है और कुछ लोग इससे परेशान भी रहते हैं, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि कैसे वो काले जादू से बचें और उनके साथ ऐसा होता है। जैसे कि रात में सोते वक्त नींद खुल जाती है और घर में रहता है कलेश, कोई भी काम करो उसका परिणाम गलत निकलता है, घर में सब बीमार रहते हैं और फिर आप सोचते हैं कि आखिर मेरे घर को किसकी नजर लग गई है, किसी ने हम पर काला जादू तो नहीं कर दिया। जी हाँ, जब आप ज्यादा परेशान होते हैं तो आप यही सोचते होंगे और ये सही भी है। काला जादू, वैसे तो लोग इस चीज को मानते नहीं हैं, मगर ये अभी भी बहुत से जगह पर सक्रिय है। लोग अक्सर अपने छोटी मोटी गलतियों के लिए दूसरों की जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं, और कोई कामयाब हो गया, किसी के पास धन संपत्ति आ गई तो पड़ोसियों को जलन होने लगती है, उसी के चलते करते लोग काला जादू कर देते हैं। आपको पता है कि आपके परेशानी का कारण आप खुद हो, आप खुद हो। काला जादू करना बहुत ही मुश्किल होता है, जी हाँ, मगर ऐसे लोगों को आप खुद पढ़वा देते हैं कि वो भी अपनी छोटी सी गलती से। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप कैसे आते हो किसी की गिरफ्त में। इन चीजों का रखें हमेशा ख्याल। आज हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह और किन कारणों से काले जादू का शिकार बन जाते हैं। जब आपकी शादी होती है तो हल्दी के बाद के कपड़े को इधर उधर ना फेंकें, उसे या तो जला दें या नदी में विसर्जित कर दें। हल्दी के कपड़ों में किया गया जादू इंसान की मृत्यु होने तक पीछा नहीं छोड़ता है। अगर आप सुहागन हैं तो कभी भी अपने मांग के सिंदूर को बाहर ना रखें, उसे सजा कर ना रखें, क्योंकि उस पर बहुत ही भयानक जादू होता है। ये जादू आपके और आपके पति के रिश्ते को तोड़ने के लिए किया जाता है। मंगलसूत्र वैसे तो बहुत पवित्र धागा है, मगर काले जादू वालों के सामने ये एक बहुत ही अच्छा हथियार है। मंगलसूत्र पर किया गया जादू से इंसान को प्रेत आत्माओं के बस में रहना पड़ता है, वो एक पल भी चैन से नहीं रह सकते हैं। और सबसे ज्यादा खतरा होता है ये जादू आपके पति को मारने के लिए भी किया जाता है। आपने देखा होगा लड़के कई बार अपने अंतरंग वस्त्रों को ऐसे ही बाहर सूखने के लिए रख देती हैं। कई लड़कियां तो उसे वापस रखना भूल जाती हैं और वो चीज लग जाती है किसी काले जादू वालों के हाथों में, जो करता है आपका इस्तेमाल और कर लेता है आपको अपने कब्जे में। क्या आपके पति जिसके साथ अपने प्रेम विवाह किया आज वही आपका दुश्मन हो गया है, जिसने आपके सभी सपने पूरे करने के लिए कहा था आज नहीं कर रहा है, और इसके पीछे कोई काला जादू तो नहीं? जी हाँ, आप अक्सर शादी करने के बाद उन चीजों को नजरअंदाज कर देती हैं जिसमें सबसे ज्यादा काला जादू होता है। हर किसी लड़की की आदत होती है कि जैसे ही कंघी में बाल टूटा हुआ मिले उसे फोल्ड करके कहीं भी फेंक देती है, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे आप पर काला जादू का शिकार हो सकता है और आपकी जिंदगी किसी की गुलाम हो सकती है। जब भी टूटे बाल फेंकने हो तो 7 बार फूंक फेंके, इससे नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है। अपने घर में गुड़िया ना रखें। और बहुत से लोगों की आदत होती है अपने बच्चों के रूम को खिलौने से सजाने की, मगर ऐसा करने से खिलौने में ज्यादातर गुड़िया में रात के आधे पहर के बाद नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है, जो आपको और आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। आप कभी भी अपने नाखूनों के दबे लगे हुए कपड़े या कूड़े में ना डालें, इससे आपके कपड़ों पर काला जादू हो सकता है। ऐसे कपड़े पर किया गया जादू वंश को खत्म करता है, इसलिए ऐसे कपड़े को जितना जल्दी हो सके आग में जलाकर नष्ट कर दें। वैसे तो आजकल पारंदे का चलना नहीं है, मगर पंजाब में अभी भी इसका परंपरा चलती है, इसलिए जो लड़की पारंदा इस्तेमाल करती है उसे संभाल कर रखें, पुरानी हो जाए तो उसे बहते हुए जल में प्रवाह कर दें। पारंदे का वह जादू आपको निर्विवाद बना देता है। लड़की कुंवारी हो तो शादी में आप इन सब बातों का ध्यान रखें, आपके ऊपर कोई भी काला जादू नहीं कर पाएगा और आप हमेशा खुश रहेंगे। नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।